नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को देख लेते हैं। सवाल नंबर एक, निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। इसमें जो चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा कथन सही है वो बताना है। ए, गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर सकता है, या बी, जूल ऊष्मा अथवा कार्य का एसआई मात्रक नहीं है, या सी, घर्षण से ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती है, या डी, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा की कीमत पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोस्तों, इसमें कौन सा सही कथन है? तो गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती है, तो यह जो है यहाँ पर बताया जा रहा नहीं कर सकती है, तो यह तो गलत हो गया। जूल ऊष्मा अथवा कार्य का एसआई यूनिट है, बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है नहीं, तो यह भी गलती हो गया। घर्षण से ऊष्मा नहीं बल्कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ पर भी गलत बताया जा रहा है। सवाल नंबर जो एक का जो सही जवाब है वो है गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा की कीमत पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो यह जो कथन है वो सही है। तो सवाल नंबर एक का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर दो, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही एसआई का मात्रक क्या होगा? ऊष्मा और ऊर्जा का दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा? ए, जूल, या बी, एम्पियर, या सी, हर्ज, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऊष्मा और ऊर्जा का जो दोनों का एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। यह काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऊष्मा और ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। तो सवाल नंबर दो का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर तीन, किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु के अणुओं के किसके समान होती है? ए, गतिज ऊर्जा होती है, या बी, कुल ऊर्जा के बराबर होती है, या सी, औसत वेग के बराबर होती है, या डी, औसत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। दोस्तों, वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा की वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, तो सवाल नंबर तीन का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर चार, शीशे के दो टुकड़ों में एक का भार दूसरे से दो गुना है तथा दोनों का तापमान 50 डिग्री है, तो भारी तथा हल्के टुकड़ों में निहित कुल ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? ए, 0.5 अनुपात, या बी, 1 अनुपात, या दो, या सी, 2 अनुपात, या डी, 4 अनुपात। दोस्तों, शीशे के दो टुकड़ों में एक का भार दूसरे से दो गुना है तथा दोनों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, तो भारी तथा हल्के के टुकड़ों में निहित जो ऊष्मा का अनुपात होगा वो बताना है। तो दोस्तों, दूसरा जो टुकड़ा है उसमें सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, तो उसमें जो होगा, तो सवाल नंबर चार का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, 2 अनुपात के बराबर होगा। सवाल नंबर पाँच, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? ए, विशिष्ट ऊष्मा, या बी, कुल ऊष्मा, या सी, गुप्त ऊष्मा, या डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एक पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हम जो आवश्यक ऊष्मा को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, तो सवाल नंबर पाँच का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर छः, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का जो तापमान होता है, ए, 300 केल्विन, या बी, 200 केल्विन, या सी, 100 केल्विन, या डी, 310 केल्विन। दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए, यह सभी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और इसमें से यह जो क्वेश्चन यह और सबसे ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का जो ताप होता है वो 310 केल्विन के बराबर होता है, तो सवाल नंबर छः का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर सात, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फारेनहाइट पैमाने के कितने बराबर होंगे? ए, 5 डिग्री के बराबर, या 9, या बी, 9 डिग्री के बराबर, या सी, 32 डिग्री के बराबर, या डी, 273 डिग्री के बराबर। दोस्तों, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फारेनहाइट जो बराबर होते हैं वो 32 डिग्री के बराबर होते हैं, तो सवाल नंबर सात का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर आठ, एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री फारेनहाइट है, तो उसके पैमाने में क्वथनांक क्या होगा? ए, 100 डिग्री फारेनहाइट के बराबर, या बी, 172.4 डिग्री फारेनहाइट के बराबर, या सी, 272.4 डिग्री
फारेनहाइट के बराबर या डी 72.4 डिग्री फारेनहाइट के बराबर। दोस्तों एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो जो फारेनहाइट का जो पैमाने का क्वथनांक होगा वो होगा 172.4 डिग्री फारेनहाइट के बराबर। सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 9, उन वस्तुओं का नाम बताएं जो गर्म करने से प्रभावित होती है। ए संगलित सिलिका या बी अभवरक या सी इनवार या डी लोहा। दोस्तों कौन सा वस्तु है इन चारों में से जिसको गर्म करने पर हम प्रभाव कर सकते हैं, तो वो जो है लोहा है। दोस्तों लोहा को गर्म करने पर आकार में भी चेंज कर सकते हैं और कई तरह से इसमें हम बदल सकते हैं। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 10, लोहे तथा एल्युमिनियम की एक समान लंबाई वाली छड़ को समान ताप पर गर्म किया जाता है, तो ए लोहे की छड़ अधिक फैलेगी या बी एल्युमिनियम की छड़ अधिक फैलेगी या सी दोनों छड़ समान फैलेगी या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लोहे तथा एल्युमिनियम की समान लंबाई वाले छड़ को अगर समान ताप पर अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें एल्युमिनियम की छड़ सबसे अधिक फैलेगी। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों अगर आप यह 10 प्रश्न में से अगर आप 9 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटेक्निक डाउट का जो प्लेलिस्ट है वो उस पर आप विजिट करें और उसमें जितने भी टॉप 10, टॉप 15, टॉप 100 या टॉप 20 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आप वो सभी को देख लें। अगर आप वो सभी देख लेते हैं तो आपका बिहार पॉलिटेक्निक हो या यूपी पॉलिटेक्निक हो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉप 10 का सीरीज पसंद आता होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।